चक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कहते हैं इंसान की जिंदगी उसकी पहली सांस से शुरू होती है। घर के मालिक ने बाबा को जूनागढ़ से बुलवाया था। 3,000 रुपए महीने पे ड्राइवर की नौकरी मिली थी। बाबा माँ और मुझे लेकर चले आए। यहां आकर तो बाबा और माँ की नजरें चौड़ी हो गई थी। बेचारे बहुत घबरा गए थे, लेकिन मैं नहीं घबराया। शायद 9 साल की आंखों में छोटे और बड़े की समझ नहीं होती, डर भी नहीं होता। उस वक्त ये नहीं पता था कि यही घर अपना हो जाएगा। बाबा खुश थे, गांव से शहर बाबा अपनी जिंदगी बदलने आए थे। मगर जिंदगी तो बदल गई मेरी। रुको ईशानी, रुको ईशानी, उभी रहे। मेरी सांसें तो अब तक रुकी हुई हैं, इतने सालों बाद भी। से तेरी राह देख रहे हैं, चल आ जा। आज भी मेरी सांसें तुम्ही से हैं।
रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, मेरा मन। तुम्हें क्या पता, तुम लड़कों को थोड़ी घर छोड़ के जाना होता है। घर छोड़ के जाती कौन है, हम लड़कियां। ऐसा लगता है कि अभी तो बच्चे थे और अब शादी। डरती क्यों, मैं हूं ना। वो तो है, पर फिर भी। ईशानी बेटा, दुल्हन क्या है? शाखा काकी, आपको तो पता ही है कितना टाइम लगता है उन्हें रेडी होने में। क्या लगा आपको, ईशानी और मेरी शादी? नहीं यार, लेकिन जिस दिन उसकी शादी होगी ना, उस दिन या तो मैं सबसे ज्यादा खुश होऊंगा या तो सबसे ज्यादा रोऊंगा। अरे तुमने बताया नहीं, कैसी लग रही हूं मैं? वो कहते हैं ना, वो तो अपने पैजामे में भी तुमसे बेटर ही लगेगी। वो प्लीज आ, गौरी दी, गौरी दी तो है ही सबसे अच्छी, सबसे सुंदर, हम सारे कजिन्स में सबसे बेस्ट। बट हेलो, मैं भी कुछ कम नहीं हूं। गौरी दी आप कितने अच्छे लग रहे हो। अब जल्दी चलो, काकी आपका कब से वेट कर रही है पूजा के लिए। और आपको पता है आज बाने गणेश स्थापना में काठियावाड़ी औरतों को भी बुलाया है। चलो अब जल्दी निकलो। आइए आसन ग्रहण कर लीजिए। वैसी जय डिक्री, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पूजा की विधि शुरू करें। ये नाड़ा छड़ी बांध रहा हूं, अब से आपकी शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। इसे बांधे रखिएगा, शादी तक घर से बाहर नहीं निकलना, पति से भी नहीं मिलना। अरे गौरी, आ सोचिए, पूजा में मोबाइल की क्या जरूरत है? ये मैं रख लेती हूँ, दिया विधि में ध्यान दीजिए ना। भले। ये नाड़ा छड़ी सब परिवार वालों के हाथों में बांध दीजिएगा। सबको बांधिए ना। इतना धीरे भागोगी तो कैसे बांधोगी? देखते हैं तुम पहले कैसे पहुंचते हो। ईशानी, चीटिंग। अब देखते हैं पापा को ये धागा कौन बांधता है। पापा, पापा, माँ, पापा गए। अरे अब भी रणवीर ने फोन करके उन्हें बाहर बुलाया। रणवीर, झूठ बोल के यहाँ बुला लिया पापा को, ये चीटिंग है। मैडम, प्यार और जंग में सब जायज है, समझी? और ये जंग है। ओ, पापा आप क्यों आए यहाँ पे? अरे बेटा, इसी ने तो फोन करके मुझे बुलाया कि मोटा बापूजी बाहर आओ, कुछ जरूरी काम है। मोटा बापूजी, दरअसल बात यह है कि आजकल जो है ना, जमाना बहुत खराब है, कोई भी कहीं भी चलते चलते अड़ंगी मार के किसी को भी गिरा सकता है, तो मैंने सोचा मैं आपको फोन करके बुला लूं ताकि आप सेफ रहें। चोर, चीटर। हाँ हाँ, और तुम क्या हो? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अब तुम दोनों किस बात पे झगड़ रहे हो? पंडित जी ने नाड़ा छड़ी दी है, आपको बांधनी है। बुरी नजर और बुरे लोगों से बचाने के लिए। अब तो मुझसे पहले मेरी फाल्गुनी को तुम ये नाड़ा छड़ी बांधो।
बुरी नजर से तो उसे बचाना है। जैसे राजा की जान अपने तोते में होती है, वैसे आपकी जान फाल्गुनी माँ में। बस तो फिर बांधो उसके हाथ में। फाल्गुनी माँ, ये आपको बांधना है, जल्दी से वरना बुरी नजर लग जाएगी। माँ, ये आपको बांधना है, जल्दी से वरना बुरी नजर लग जाएगी। क्यों? हिफाजत के लिए। अगर मैं ये पहन लूंगी तो मेरे हीरों को कौन देखेगा? वैसे ये डायमंड ब्रेसलेट भी तुम्हारे मोटा बापूजी ने ही दिया है मुझे, 9 लाख का है। इसका शो कम करने के लिए धागा वागा नहीं पहनूंगी मैं, प्लीज। और फाल्गुनी माँ, ये यहाँ रख देना, बाद में पहन लूंगी। अच्छा लग रहा है ना? आप अपने हाथों में कुछ भी पहन लें फाल्गुनी, खूबसूरत ही लगेगा, हीरा भी और धागा भी। आज कोई धागा वागा नहीं, आज सिर्फ हीरा, वो मैं शादी के बाद पहनूंगी। आई प्रॉमिस, प्रॉमिस। पापा, वो फ्रेंड का फोन है, संगीत के लिए आ रहे हैं ना, मैं कॉल रिसीव करके आती हूँ। ओके बेटा। अरे मोटा बाबूजी, आपके शू की लेस खुली है, मैं बांध देता हूँ। अरे नहीं 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 रणबीर, मैं खुद बांध लूंगा बेटे। क्या मोटा बाबूजी, ये हक है मेरा और ये हक मैंने आज तक किसी को नहीं दिया। मगर तू अभी तक ठीक से गांठ बांधना सीखा नहीं है, चल तुझे कौन रोक सकता है, बांध। चल मोटा बाबूजी, आप फाल्गुनी माँ को बहुत चाहते हैं ना? आशिकी करता हूँ मैं उससे, जुनून है, हर किसी के बस की बात नहीं। फिल्मों में दिखाते हैं, किताबों में लिखते हैं, मगर महसूस बहुत कम लोग कर पाते हैं। सिर्फ यही एक ऐसा एहसास है जिसमें बाकी सारे एहसास भुला देने की ताकत है। तो देखना रणबीर, एक दिन तुझे भी हो जाएगी और उस दिन तू उसी के लिए जिएगा और उसी के लिए मरने को भी तैयार हो जाएगा। प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि उसी में खो जाने का नाम है। लेस बन के मोटा बाबूजी, इसी तरह से रिश्ते भी बन जाएंगे। अब तो बस ईशानी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढना है। मुझसे नहीं होगा प्रणव, कल शादी है और आज संकोरी दी को घेर के बैठे हैं, तुम्हें कैसे? ईशानी, अगर तुम साथ नहीं दोगी तो और कौन देगा? प्लीज हेल्प अस, प्लीज। मैं कैसे हेल्प करूं प्रणव, गलती से बा को पता लग गया तो? मैं आज तुम्हारे घर आऊंगा उसे भगा ले जाने के लिए। तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा ईशानी कि हमारा साथ देना होगा, प्लीज प्लीज साथ दे देना। सुबह सुबह का फंक्शन है, कोई नजर नहीं आ रहा है, सब जनता लोग है कहाँ? सो रहे होंगे, आपको पता लग गया तो? साले सब घोड़े बेच के सो रहे। देवर्ष, देवर्ष कहाँ है? देवर्ष उठ जा यार, हट ना यार, नहीं सोने दे, किसी और को जाके उठाना। भाग गई। अरे बोतले तो छुपाओ। अरे चंचल बहन, आप? चंचल बहन आप हो क्या? सुबह सुबह बीपी चढ़ाते हो आप लोग, अभी तक तैयार नहीं हुए हो? बा पूजा में पहुंच रही है, जल्दी आओ। बाकी चमची चंचल चाची, इसलिए कब से कह रहा था, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ,
उठते नहीं तुम लोग। प्रतीक कब से पहुंचा हुआ नीचे? क्या कह रहा है यार? अपनी बहन की फोटो खींचे छे ना? जी दादी, बहन दिखा? की फोटो खींचे। फोटो मुझे भी दिखा। हाय, कितनी प्यारी लग रही है हमारी गौरी, बिल्कुल परी जैसी छे ना? जी दादी। जा और फोटो खींच ले। ओहो, ये मोटा भाई अभी तक तैयार होके आया क्यों नहीं? पापा, आपसे नए मोबाइल के बारे में बात की थी ना? शक्ल देखिए अपने आईने में। क्यों? जानवर लग रहा है, जानवर। शेर लग रहा हूँ कि नहीं? काम धंधा कुछ करना नहीं है, अरे सारा दिन रुपया खर्च करने की बात करता रहता है। लेक्चर बस ना पापा, मेरे को नया मोबाइल चाहिए। जाके कपड़े बदल, बात ही होगी। फिर तू ही जवाब देना, मोबाइल चाहिए। काम चुप। अरे किसकी ले रहा है? नहीं नहीं, किसी की नहीं। अच्छा, रिबा नाटी कौन है? मुझे नहीं पता। गौरी दीदी कॉलेज की फ्रेंड है, कल रात को पार्टी में मिली थी। नाम है रुचिका। ए रुचिका, कम ना भाई, वो तो यही आ रही है। हाय, ये क्या होलिया बना रखा है? मेरी छोड़ो, मीट प्रतीक। हाय। मैं पूछा था कि आज शाम को क्लबिंग चले, सामने नया क्लब खुला है और हम संगीत के बाद फ्री भी हैं। व्हाई नॉट? मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके। एक मिनट ना, एक काम करो, तुम मेरा नंबर लो, तुम मुझे बाद में कॉल करना। ओके। 97। अरे तूने नीतीश मामा का नंबर क्यों दिया? मोबाइल नहीं दिला रहे ना, अब देखना ऐसे ऐसे कॉल्स करवाऊंगा कि शाम तक पप्पा के अंदर का पोमेरे निकल कर बाहर आ जाएगा। शादी का घर है ना, सब कुछ एकदम अच्छे से सजा देना। हाँ, मैं एक ही बार चेक करूंगी फिर बताऊंगी मैंने, ठीक है? हाय भैंस। हाय चैताली। सुपर। सुपर ना? वेरी फुल ब्यूटी। कब दिया मोटा भाई ने? वो फॉरेन टूर से वापस आए थे ना तब। कितना मनी दिया? 9 लाख। अब तुम तो हर्षद को जानती हो चैताली, इस महीने शेयर मार्केट में क्रोज बना, सो आई टोल्ड हिम ये सब तो मेरा ही गुड लक है, तो एटलीस्ट एक गुड लक ब्रेसलेट तो बनता ही है। माने देखा नहीं, लेकिन अब पहन ही लिया है तो देख लेंगी। ये भाप्स का गुडलक कुछ ज्यादा ही ऊपर जा रहा है। अभी बताती हूँ मीतेश को। एक एक मेहमान को शरबत मिलना चाहिए, नहीं तो तुम दोनों की छुट्टी कर दो। जाओ जाओ अपना काम करो, जाओ अपना काम करो, चलो मीतेश। क्या हुआ चैतू, देखा तुमने? अरे मैंने क्या, सबने देखा क्या पहन के घूम रहा था। घूम रहा था? हाँ, तुम्हारा बेटा देवर्ष। उसको छोड़ो, भाप्स की बात करें। क्या, भाभी भी निकर पहन के घूम रही थी? भाप्स के हाथ में देखा, 9 लाख का ब्रेसलेट पहना है, मोटा भाई ने गिफ्ट दिया है। चेतु फोन आया। लो, अननोन नंबर। क्या है इस अननोन नंबर का नाम? ऑन द स्पीकर नो। ओके। हाय, कौन बोलो छो? अच्छा, अभी 10 मिनट पहले कॉल करने के लिए कहा था और अब भूल गए। मैंने नहीं कहा, आपके कोई मिस्टेकिंग हुई होगी। अच्छा, अभी रात का प्लान बना रहे थे, कल पार्टी में मिले थे। कम ऑन मिस्टर पारिक, अगर बिजी हो तो मैं बाद में कॉल करूं। कोई है क्या वहाँ पर? फिर इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो? अगर तुम बिजी हो तो शाम में मिलती हूँ। बाय। अब समझ में आया, तुम्हारा मन तो काम में लगेगा ही नहीं ना, किस किस को देके आए हो? अपना मोबाइल नंबर। शादी चुपचाप होने दूंगी, उसके बाद में देखती हूँ तुम्हें और उस लड़की को। मारिस।
अब जो भी करना है आपको करना है। वहां से ऐसी डरती रहोगी तो कैसे चलेगा? सवाल एक दो दिन का नहीं है दी, पूरी लाइफ का। फिर जब बा को पता चलेगा तो? प्यार करती हो ना उससे? हाँ, तो बस वही करो, हिम्मत करो और चले जाओ उसके साथ। बा को प्यार से नफरत है ईशानी, हमारे घर सिर्फ शादियां होती हैं, प्यार नहीं। तू जानती है ना बा को। अपनो घर हमजास, हाँ इस घर के नौकरों में बहुत हिम्मत आ गई है। मेहमानों के लिए लाई मिठाई चुरा रहा था, माथा फिरा दिया इसने। चोरी करता है हंसा गोर्धन दास पारे के घर में चोरी करता है। मैंने तो बस 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 यही तो गलती हुई तुझसे। तुम लोगों के जमात में बस शब्द बोलना ही नहीं चाहिए। गधों को असली घी हजम नहीं होता है डोबा। तेरे बाप दादाओं ने भी खबी खाइए 1200 रुपए किलो की मिठाई। बा जवा दियो ने, घर में शादी का माहौल है। रणवीर फेंक इसे बाहर। गाना क्यों बंद किया? ये तो रोज चलता ही रहता है, वो पार्ट एंड पार्सल। हालो हालो गावा मंडो, हेलो। ये लो, ये पैसे रख लो। देखा तूने, 12 साल से ये नौकरी कर रहा था और आज 1200 रुपए की मिठाई की खातिर इसे नौकरी से निकाल दिया बाने। और ये क्या पहन रखा है तूने? कहां से आई है शेरवानी? अरे ये शेरवानी तो मोटा बाबूजी ने दिलवाई है। तुझे क्या लगता है तू ये कपड़े पहनकर बड़ा आदमी बन गया? बेटा तू ये अच्छे कपड़े पहनकर इस घर का हिस्सा नहीं बन जाएगा। देख आज भी हम इस घर की पूजा में जा तो सकते हैं, पर इतने सालों बाद भी बेटा हम पीछे ही खड़े रहते हैं और वही हमारी जगह है। बेटा आज भी उन्हें हमारे बच्चों के नाम तक याद नहीं। आधे से ज्यादा लोग इस घर के मुझे आज भी ड्राइवर जी कह के बुलाते हैं। ए जी, ये सामान अंदर रखवा देना। जी जी, आप लोग केटरिंग कंपनी से हैं? जी सर। अपना बैच दिखाइए प्लीज। ये सब आप लोगों के साथ है? जी सर, सब मेरे ही साथ हैं। ठीक है। ईशानी अब क्या होगा? वो तो यहाँ आ गया है। अब प्यार का इंतहा होगा दी। आज रात तुम अपने प्यार को चुनोगी और यहाँ से भाग जाओगी। ए छोकराओ, आ जाओ साहब। अरे आज इस परिवार की पहली लड़की का लगन है,
ऐसी धूमधाम होगी कि दुनिया देखेगी। गौरी दी को उनके प्यार तक पहुंचाना है मुझे। क्या रणवीर मेरी मदद करेगा? लेकिन अगर उसने बात से कह दिया तो रणवीर की वफा इस घर से है, इस परिवार से। फोन की बात कभी नहीं डालेगा, मेरे खातिर भी नहीं। नहीं, मैं उसे गौरी दी और प्रणव के बारे में नहीं बता सकती। ये मिस्टर शाह की गाड़ी की चाबी है, जाके उनकी गाड़ी पार्क कर लो। बाबा कहते हैं For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.